एटा शहर के मुख्य सुभाष मूर्ति चौराहे पर 7 मई को होने वाले मतदान को लेकर व्यापारियों से कुछ खास चुनाव को लेकर चर्चा। मौजूदा सांसद के प्रति व्यापारियों के अंदर दिखा गुस्सा। व्यापारियों ने चुनाव का बहिष्कार करने की भी कही बात। एटा लोकसभा सीट से तीसरी बार सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं और अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। राजवीर सिंह राजू भैया उनके पक्ष में है। समाजवादी पार्टी के देवेश शाह के मैदान में है। क्या इस बार बीजेपी का चल पाएगा कोई जादू या दौड़ेगी समाजवादी पार्टी की साइकिल? देखना है कि एटा लोकसभा सीट से किसका होगा राज तिलक। वंदे भारत ब्यूरो चीफ वैभव वाश्रे की रिपोर्ट एटा से। सुभाष मूर्ति से तो देखता हूँ और भी मैं बात कराना चाहता हूँ। आपका क्या नाम है? राजू। 7 मई को जो मतदान होने वाला है तीसरे चरण में एटा में है, तो इस मुद्दे को लेके, किस मुद्दे को लेके आप मतदान करेंगे और क्या मुद्दा रहेगा आपका? 5 साल के अंदर बीजेपी के सांसद जी ने आज तक मार्केट में ये नहीं देखा कि व्यापारी हमारा क्या कर रहा है, क्या परेशान है। आज तक उन्हें शक्ल नहीं दिखाई। दो बार सांसद हो चुके, लेकिन व्यापारी लोग हमेशा बीजेपी के लिए भरा है, लेकिन सांसद ने आज तक शक्ल नहीं दिखाई। जब से 2 बार सांसद हुए हैं कोई परेशानी की बात नहीं पूछी व्यापारी से। आगे भी यही सुनना चाहते हैं। मैं हाथी गेट के मुख्य चौराहे पे उपस्थित हूँ। यहाँ के लोगों में काफी रोष और काफी गुस्सा देखा जा रहा है सांसद प्रतिनिधि के लिए। क्या आप इस बार क्या कोई बदलाव चाहते हैं? किस मुद्दे को लेकर क्या कोई बदलाव रहेगा? क्या रहेगा? किसको वोट करेंगे इस बार? जो भी व्यापारी की सुनेगा उसी को वोट जाएगा। सही है। पार्टी से हमें कोई संबंध नहीं है। जो व्यापारी की सुरक्षा करेगा, जो साथ देगा उसी को वोट जाएगा। बहुत बढ़िया। क्या इस बार एटा से आप बदलाव चाहते हैं क्या? जब सांसद जी हमें कुछ नहीं देखेंगे तो हम सांसद जी को क्या दे देंगे? यहाँ की जनता में काफी रोष है और काफी गुस्सा नजर आता रहा है। क्या संसद ये तीसरा चुनाव लड़ रहे हैं, 10 साल में कितनी बार एटा आए होंगे? आपके बाजार में कितनी बार आए सांसद जी? 10 साल में जब चुनाव होता है जब ही एक बार आते हैं, उसके बाद तो शक्ल दिखाते भी नहीं है और अभी तक तो आए भी नहीं है। मैं शहर के मुख्य चौराहे सुभाष मूर्ति पे उपस्थित हूँ। यहाँ मेरे साथ काफी व्यापारीगण उपस्थित है और व्यापारियों का मानना ये है कि सांसद जी नहीं आए हैं। काफी गुस्सा है व्यापारियों के प्रति। 10 साल यानी कि 2 बार सांसद रह चुके हैं। आपका क्या नाम? हमारा नाम प्रशांत गुप्ता है। आप ये जो 7 मई को चुनाव होने जा रहा है, किस चीज को लेके, किस मुद्दे को लेके चुनाव में वोट करेंगे? हम तो ये चाहते हैं कि आज के समय में जो भी सरकार है वो हम उस मुद्दे को जैसे जो जीवन शांति बनाए रखे उसी को वोट देंगे। भैया का मानना है, कहना भी है कि जिस मुद्दे को लेके मैंने पूछा भैया से, भैया कहते हैं कि शांति को लेके हम वोट करेंगे। आपका क्या नाम है? नमस्कार, मैं वंदे भारत ब्यूरो चीफ वैभव वाश्रे, मैं एटा के हाथी गेट स्थित मुख्य बाजार जो है उसमें आज मैं उपस्थित हुआ हूँ। और आज आगामी लोकसभा चुनाव जो कि तीसरे चरण में एटा में होने वाला है उसको लेकर